नमो नारायण मित्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओ नाम वाले जातक एवं जेड नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मित्रों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, ओ नाम वाले जातक एवं जेड नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक समानता की कमी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो अपने जीवन की यात्रा में एक दूसरे से अलग होते हैं। इन दोनों की अपने अपने जीवन में इनकी जो भी आवश्यकताएं होती है, इनकी जो भी जरूरतें होती है, वो एक दूसरे से अलग होती है। मित्रों, इसके अलावा यदि हम जेड नाम वालों की बात करें तो जेड नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा परिश्रमी, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। ये हमेशा अपने जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन मित्रों, इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत ज्यादा हठीले होते हैं एवं ये अपने जिद के सामने में, अपने हठ के सामने में किसी और की बातों को, किसी और के विचारों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं एवं अपने जीवन के यात्रा में सिर्फ अपनी बातों को, सिर्फ अपने विचारों को ये बहुत ज्यादा महत्व, बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। लेकिन मित्रों, इसके अलावा यदि हम ओ नाम वालों की बात करें तो ओ नाम वाले जो भी जातक होते हैं ये परिवर्तनशील होते हैं। इनको हमेशा अपने जीवन में नए नए लोगों से मुलाकात करना, नए नए लोगों के साथ में अपने संबंध को जोड़ना बहुत ज्यादा पसंद होता है। मित्रों, इस नाम के जो भी जातक होते हैं ये अपने जीवन के यात्रा में हमेशा कोई ना कोई जोखिम, कोई ना कोई रिस्क अवश्य लेते हैं एवं ये अपने जीवन के यात्रा में कोई भी जोखिम लेने में, कोई भी रिस्क लेने में डरते नहीं है, घबराते नहीं है। मित्रों, ओ नाम वाले जातक एवं जेड नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मित्रों आप दोनों के बीच में जो संबंध बनेगा वो सामान्य रहेगा, न ज्यादा मजबूत न ज्यादा खराब। मित्रों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में वैदिक बाबा को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय बाबा भैरव आप कमेंट अवश्य कर दे एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दे। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।